रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 मैथ्स है सेकंड ईयर की। इसमें आज हम सीखेंगे कंटिन्यूटी। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि लिमिट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ऐसी एक्सप्रेशंस के ऊपर जिनमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मौजूद होती है, यानी जीरो और जीरो, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस तरह की कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आती है तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, उन क्वेश्चंस को, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग देयर लिमिट्स एट सर्टेन पॉइंट। तो आज हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी लिमिट की मदद से कैसे जो है ना वो डिस्कस की जा सकती है। तो इसको हम स्टेट करते हैं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट एफ ऑफ एक्स के और ऑन द पॉइंट भी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए और वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये तीन ऑप्शंस हमने चेक करनी होती है। ऑन द पॉइंट वैल्यू डिटरमिन करते हैं वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, ये तीनों रिजल्ट सेम होने चाहिए और ये डिफाइंड होने चाहिए, तो तब हम कहते हैं कि ये लिमिट, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और हम कंटिन्यूटी को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये भी आपके पास कंटिन्यूटी, ये एक आध क्वेश्चन में हम ये सेकंड वाली अप्रोच यूज करेंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट वाली अप्रोच से ही सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कंटिन्यूटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें है एफ ऑफ एक्स, ये पीस वाइज फंक्शन है। ये जो फंक्शंस होते हैं इनको पीस वाइज फंक्शंस बोलते हैं, कि जिसमें किसी पॉइंट से पहले फंक्शन की अप्रोच कुछ और होती है और किसी खास पॉइंट के बाद फंक्शन की अप्रोच चेंज हो जाती है। देखिए 2 से पहले पहले जो फंक्शन है वो है 2x+5 और आफ्टर 2 ये फंक्शन है 4x+1। तो ये पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं कि ऐसे फंक्शन जो किसी पॉइंट पे स्प्लिट हो रहे हो, पॉइंट से पहले फंक्शन का बिहेवियर कुछ और उस पॉइंट के बाद फंक्शन का बिहेवियर कुछ और हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये पीस वाइज फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे पीस वाइज फंक्शन की, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन की कंटिन्यूटी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पीस वाइज फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं कि आइदर ये पूरी रियल लाइन के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा होता है उस पॉइंट पे हम चेक करते हैं। ये अब आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 1 है, ये भी लीनियर फंक्शन है। तो जो लीनियर या पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो पूरी रियल लाइन पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है उस पे हमने चेक करना होता है कि ये क्या कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे, तो 2 आप यहां सेंटर में लिखेंगे, ये आ गया। अब देखिए एक्स इज लेस देन 2 है, एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन 2, तो एक्स इज लेस देन 2 के अपोजिट जो फंक्शन होगा वो हम लिखेंगे 2x+5 यहां पे लिखेंगे। फिर ग्रेटर देन तो बाद में आ जाएगा 4x+1 और इक्वल टू जो आ रहा है इक्वल टू के अपोजिट वो 2 के बिल्कुल ऊपर लिखेंगे, तो 2x+5 ये आ गया। तो लेस देन वाला पहले लिखना है, ग्रेटर देन वाला बाद में और इक्वल वाला उस पॉइंट के ऊपर जिसके अगेंस्ट आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की ना कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, राइट लिमिट फाइंड करेंगे और हेंस आपने क्या करना है, पॉइंट के ऊपर वैल्यू भी फाइंड करनी है। अच्छा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो लेफ्ट लिमिट क्या होती है, लेफ्ट एफ ऑफ एक्स होता है बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल थी आपके पास, ये थी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये लेफ्ट और राइट लिमिट हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, इनको आप देख लीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 2। इसने मेंशन किया है यहाँ पे कि x is equal to 2 पे आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर बार डालेंगे नेगेटिव साइन। अब 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन ये पड़ा हुआ है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे प्लेस करेंगे लेफ्ट लिमिट के केस में। और इसी तरह जब राइट लिमिट हम इवेल्युएट कर रहे होंगे राइट एफ ऑफ एक्स, तो उसके लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर प्लस का साइन डालेंगे और 2 के राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि ये 2 नेगेटिव है तो x की जगह पे 2 माइनस 0 पुट कर दें, 2
2 माइनस 0 प्लस 5, ये आ गया 4 प्लस 5, दिस इज 9, तो ये लेफ्ट एफ ऑफ एक्स आ गया। इधर इसी तरह x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 2 जा 8 प्लस 1, तो इट इज 9। तो ये देखें लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल आ चुकी हैं। अब एक काम और रह गया, वो भी करना है, 2 के ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखें। नाउ ये तीसरा काम है, ये भी कंटिन्यूटी में करना पड़ता है। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो जो 2 के पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन पड़ा हुआ होगा उसे f ऑफ x करके लिखेंगे, और ये नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको पुट कर देंगे x की जगह पे, तो पुट x इज इक्वल टू 2, या जगह f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इनटू 2 प्लस 5, या जगह 4 प्लस 5, तो इट वुड बी व्हाट, 9। ये f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब ये तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें कि क्या ये तीनों इक्वेशंस इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, तो 1 2 एंड 3 इंप्लाइज लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट एफ ऑफ एक्स के, और ये इक्वल है एफ ऑफ 2 के। तो सो हम क्या कहेंगे, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 पे ये फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो ये था जी कंटिन्यूटी का मेथड, कि अगर पीस वाइज फंक्शन आपको दिया हुआ है तो पहले रियल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, लेफ्ट साइड पे देखना है लेस देन वाला फंक्शन लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन वाला फंक्शन राइट साइड पे, और इक्वल जिसमें आ रहा है वो उसके ऊपर आ जाएगा, और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट लें, उसमें लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे, राइट लिमिट में राइट फंक्शन यूज करेंगे, और फिर ऑन द पॉइंट पे जो वैल्यू है वो लिख के फंक्शन उसमें स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, अगर तीनों रिजल्ट सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज अगर एक भी चीज सेम नहीं आ रही इन तीनों में से, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अब ये सेकंड पार्ट है, इसकी कंटिन्यूटी भी हमने डिस्कस करनी है, तो ये भी पीस वाइज फंक्शन है, तो ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम रियल लाइन ड्रॉ करके सेंटर में क्या करेंगे, 1 ड्रॉ कर देंगे, 1 लिख देंगे। अब 1 लेस देन वाला लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 1 के ग्रेटर देन वाला राइट साइड पे आ जाएगा, ये x इज ग्रेटर देन 1 तो राइट साइड पे, लेस देन वाला पहले, और x इज इक्वल टू 1 के अपोजिट जो फंक्शन है उसको हम 1 के ऊपर लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑन द पॉइंट, ये तीन काम करने हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट के लिए लेफ्ट लिमिट लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव लिखेंगे। अब ये तीन फंक्शंस हैं आपके पास, तो आपने 1 की जो लेफ्ट साइड पे है वो वाला फंक्शन लेना है इन केस ऑफ लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट के केस में जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन होगा वो आप यहां पे प्लेस करेंगे, और 1 नेगेटिव तो 3x की जगह पे 1 माइनस 0 पुट कर देंगे, 1 भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। आपके सिलेबस में आपको लिबर्टी है कि आप यहां पे 1 नेगेटिव का मतलब 1 नहीं होगा, 1 भी पुट कर सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो अब ये 1 के राइट लिमिट है, तो 1 के जो राइट, ये देखें 1 है इसका, ये लेफ्ट है ये राइट है, इस तरह देखना ये लेफ्ट ये राइट, तो राइट साइड पे जो फंक्शन है वो आप यूज करेंगे राइट लिमिट के लिए, या देखा 2 इंटू 1 प्लस 0 तो 2 1 जा 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, राइट एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ऑन द पॉइंट भी फंक्शन आपने लिखना है, ऑन द पॉइंट जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4 के नीचे क्या है 1 है, तो x को 1 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये इक्वेशन ये 3 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, 1 2 एंड 3 इंप्लाइज, अब देखें पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, लिमिट्स दोनों इक्वल हैं, लेकिन ऑन द पॉइंट जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही, वो 4 है, और ये रिजल्ट हमारे पास 2 चाहिए। देखें इसका भी 2 आ रहा है आंसर, इसका 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रही है, इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा भी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें दो पॉइंट्स हैं आपके पास, माइनस 2 और 2, इन पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, और उसने ये कहा है कि माइनस 2 पे भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है और 2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सेम हम स्टार्ट उसी तरह लेंगे। आप क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रियल लाइन ड्रॉ कर दी, और अब इस रियल लाइन पे आपने नेचुरल ऑर्डर में इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, माइनस 2 और 2 को। तो माइनस 2 आपको पता है पहले आता है लेफ्ट साइड पे, और 2 आएगा राइट साइड पे, सेंटर में कहीं पे 0 होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव, तो ये नेचुरल ऑर्डर आपने फॉलो करते हुए ये नंबर्स आपने डिस्प्ले करने हैं रियल लाइन के ऊपर। अब देखें x इज लेस देन माइनस 2 है, x इज लेस देन माइनस 2, तो इसके सामने जो फंक्शन है वो माइनस 2 के पहले आ जाएगा, ये 3x। अब इक्वल टू माइनस 2 भी आ रहा है, तो माइनस 2 के ऊपर भी लिखेंगे,
ये आ गया। तो पहले हमने माइनस टू के देखा कि लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे लिखा, इक्वल भी है तो ऊपर भी लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस टू और टू के सेंटर में आ रहा है। देखिए माइनस टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू, तो मतलब एक्स जो है ना वो इन बिटवीन आ रहा है माइनस टू एंड टू। तो ये जो फंक्शन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो माइनस टू और टू के सेंटर में, ये माइनस टू और टू का सेंटर है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट हो गया। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन के लिए राइट साइड पे लिखेंगे टू के थ्री, और इक्वल टू भी आ रहा है तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू थ्री, इसके ऊपर भी लिख देंगे। तो ये अब आपने लेबलिंग कर ली। अब लेबलिंग कर लेने के बाद आप वन बाय वन आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे माइनस टू के ऊपर, फिर हम टू के ऊपर चेक करेंगे। तो पहले हम करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अप्लाई करनी है लेफ्ट लिमिट, विच इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू नेगेटिव। तो माइनस टू नेगेटिव है तो माइनस टू के लेफ्ट साइड, लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो लिखेंगे थ्री एक्स। अब इसमें पुट कर देंगे थ्री इंटू माइनस टू माइनस जीरो, आ जाएगा माइनस सिक्स, तो विच इज लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन वन का नाम दे रहे हैं। और राइट एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास, राइट एफ ऑफ एक्स होगा लिमिट x approaches to minus 2 के ऊपर प्लस आ जाएगा, माइनस टू के राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है x square minus 1, तो इसमें लिखेंगे minus 2 plus 0 का whole square minus 1, तो ये 4 minus 1, तो it would be 3। तो आप देख सकते हैं कि ये लिमिट जब हमने कैलकुलेट की है तो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं आया, लेफ्ट लिमिट माइनस 6 है और राइट लिमिट क्या है आपके पास 3 है। तो अब यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे, सिंस लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू राइट एफ ऑफ एक्स, अगर पहले दो केस ही मैच ना कर रहे हो फिर तीसरा केस ऑन द पॉइंट वाला करने की जरूरत नहीं है। तो सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम आते हैं टू की तरफ, तो टू की तरफ कैसे आते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट एफ ऑफ एक्स लेंगे सबसे पहले, ये टू, टू के लेफ्ट साइड पे देखिए कौन सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप लेफ्ट लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, ये आ गया टू माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ गया फोर माइनस वन, तो इट इज थ्री, ये लेफ्ट एफ ऑफ एक्स आ गया। और अब राइट एफ ऑफ एक्स की तरफ आते हैं, राइट एफ ऑफ एक्स क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री के ऊपर प्लस आ रहा है, तो अब सॉरी टू पे चेक कर रहे हैं, तो टू लिखेंगे इधर टू पॉजिटिव, और अब टू के राइट पे क्या है थ्री है, यहाँ पे थ्री, थ्री में अब एक्स है नहीं तो ये थ्री एज इट इज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो ये राइट एफ ऑफ एक्स आ गई, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें। अब आपके पास तीसरा और आखिरी काम है, नाउ एफ ऑफ एक्स किस इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास जो ऑन द पॉइंट वैल्यू वो लिखेंगे, और एक्स की जगह पे नीचे वाली वैल्यू पुट, ऊपर वाला लिखे उसमें नीचे वाला क्या कर देना है पुट कर देना, यह आ जाएगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री, ये इक्वेशन थ्री आ गई। तो अब तीनों में देखे सेम आ रहा है, वन टू एंड थ्री इंप्लाइज लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट एफ ऑफ एक्स के, और ये इक्वल है एफ ऑफ टू के, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो टू पे ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें आपको ना कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो आपने सी की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो अब सी हमने फाइंड करना है, तो लिमिट की एग्जिस्टेंस हम यूज करेंगे यहाँ पे, और उससे ना आपने ये देखें माइनस वन सेंटर में लिखेंगे, लेस देन एक्स प्लस टू, लेस देन एक्स इज लेस देन है तो इसके ऑपोजिट फंक्शन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ग्रेटर है तो ये सी प्लस टू राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो सो दो ही केस काफी है, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लेफ्ट एफ ऑफ एक्स और राइट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ पे ए कर लेते हैं, ऊपर लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट हमने लिखा हुआ है कि व्हाट डज इट मीन बाय लेफ्ट एल ऑफ एफ ऑफ एक्स और आर एफ ऑफ एक्स। तो अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जस्ट हम लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे राइट लिमिट फाइंड करेंगे, उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट्स मीन कि ये इक्वल होगी लेफ्ट राइट, नहीं भी इक्वल है तो आपने इक्वल रख लेना है और वहां से कंपेयर करके सी की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेफ्ट एफ एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसका। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन के ऊपर नेगेटिव, ये आ गया एक्स प्लस टू। अब माइनस वन के ऊपर नेगेटिव, ये माइनस लेफ्ट लिमिट है तो लेफ्ट फंक्शन है ये। इसमें पुट करेंगे माइनस वन माइनस जीरो प्लस टू, टू में से वन माइनस करें वन आ जाएगा, तो इट इज लेफ्ट एफ ऑफ एक्स। और राइट एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, राइट एफ ऑफ एक्स आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन के ऊपर प्लस सी प्लस टू। अब यहाँ पे एक्स है नहीं तो सी प्लस टू एज इट इज आ जाएगा, लिमिट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा इस एक्सप्रेशन के ऊपर, ये इक्वेशन टू आ गया। अब उसने कहा हुआ है एज लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है जी, एग्जिस्ट करती है, तो सो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू राइट एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट के नीचे लेफ्ट की वैल्यू पुट कर दे वन है, राइट के नीचे राइट की वैल्यू पुट कर दे टू, को इस साइड पे ले तो ये सी आ जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि फंक्शन x इज इक्वल टू थ्री पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अब कंटिन्यूटी की बात हुई, अब तीनों काम करेंगे, फिर कंटिन्यूस है, उसने कहा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आपने m और n की वैल्यू डिटरमिन करनी है। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है, n फाइंड करना है व्हेन f ऑफ x इज कंटिन्यूस। तो अब हम कंटिन्यूटी वाला पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद कंपेयर करके m और n की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब x इज लेस देन 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा एम एक्स इक्वल टू 3, तो ऊपर n आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो ये राइट साइड पे माइनस टू एक्स प्लस 9। तो अब आपने तीनों काम करने वन बाय वन, तो पहले लेफ्ट f ऑफ x ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड पे एम एक्स है, यहाँ पे एम एक्स पुट कर दिया तो ये m इंटू 3 माइनस 0, तो वी गेट 3m। इसको आपने इक्वेशन वन का नाम दे देना है। अब राइट एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, तो राइट एफ ऑफ एक्स में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव, तो ये राइट वाला फंक्शन आपने यूज करना है। अब इसको पुट करें माइनस टू इंटू थ्री प्लस जीरो प्लस नाइन, तो वी विल गेट माइनस सिक्स प्लस नाइन, नाइन में से सिक्स माइनस करें तो ये थ्री आ जाएगा, ये राइट एफ ऑफ एक्स आ गया। अब आपने तीसरा और आखिरी काम करना है, ऑन द पॉइंट जो वैल्यू है उसको देखना है, तो थ्री के ऊपर जो वैल्यू है, सिंस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, थ्री के ऊपर जो फंक्शन पड़ा हुआ है इसको एफ ऑफ एक्स इक्वेट कर लेंगे और इसमें थ्री पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, तो पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एन आ गया। अब ये देखें फंक्शन उसने कहा हुआ था कि ये कंटिन्यूस है, तो सो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज करेंगे और वहां से एम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, सो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा राइट एफ ऑफ एक्स के और ये इक्वल होगा f ऑफ 3 के, राइट हो गया, 3 पे हम चेक कर रहे हैं तो ये 3 के इक्वल होगा। लेफ्ट f ऑफ x कितना है आपके पास, 3m है, राइट f ऑफ x कितना है 3 है और f ऑफ 3 n के इक्वल है। इनको आप वन बाय वन दोनों को 3 से कंपेयर कर लेंगे, 3m इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू n, तो 3 डिवाइड करें तो ये 3 बाय 3 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, m और n की वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 पे, तो आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने वही लॉजिक यूज करना है, पीस वाइज फंक्शन है, 3 को सेंटर में रखेंगे, लेस देन वाला पहले लिखेंगे और ग्रेटर देन वाला बाद में लिखेंगे, इक्वल टू वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट ये आ गया m इंटू 3 माइनस 0 3m, ये आ गया लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, और राइट एफ ऑफ एक्स भी देख लेते हैं वो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 0 का स्क्वायर, ये 9 आ गया, ये राइट एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें ना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एक जस्ट अननोन एक ही है, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो स्ट्रेट अवे एम की वैल्यू आ सकती है, तो सो नो नीड के आप क्या करें, इसको लेकर इसमें पुट करें और तीसरी भी कंडीशन फुलफिल करें। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अब पार्शियल पोर्शन हम यूज करेंगे कंटिन्यूस का, सो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स और राइट एफ ऑफ एक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू राइट एफ, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट की वैल्यू पुट करें राइट के नीचे राइट की, तो ये 9 बाय 3 m इज इक्वल टू 3 3 इज 9, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन में के फाइंड करना है जबकि आपके पास ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू टू। अच्छा इस फंक्शन में आप देखें इक्वल टू आर है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, जस्ट आपके पास नॉट इक्वल टू है और इक्वल टू। अच्छा जी इसमें नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है और इक्वल टू, ये दो ही कंडीशंस दी हैं। तो इसमें हम कंटिन्यूटी का ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, जो नॉट इक्वल के अगेंस्ट एक्सप्रेशन होगी उसकी लिमिट फाइंड करेंगे और जो इक्वल टू एक्सप्रेशन होगी उसके ऊपर हम वैल्यू पुट कर देंगे स्ट्रेट अवे। तो ये अब आपने यहां पे ना डायरेक्ट काम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी लिमिट डिटरमिन करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव माइनस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। इसको ना रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि ये जीरो पर जीरो फॉर्म बन गया। अगर डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल सी कि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो अब अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म और अंडर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइजेशन के बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट क्या फॉर्म आती है। तो रेशनलाइज करने के लिए देखिए ये भी अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, बीच में माइनस आ रहा है, तो अब ये माइनस है तो हम प्लस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। टू एक्स प्लस फाइव प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय, इसी से आप क्या कर दें डिवाइड भी कर दें, यह आ जाएगा एक्स प्लस सेवन। अब ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दें यहां पे, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव का होल स्केयर स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन का होल स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्म बनती है। टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। अब x को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस सेवन डिवाइड सॉरी माइनस एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस के रूट एक्स प्लस सेवन। अब ये टू एक्स में से एक एक्स माइनस करें तो यू विल गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। ये एक्स माइनस टू से कैंसिल हो गया तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू वन ओवर स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सेवन। अब आपने अप्लाई कर देना लिमिट को, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट कर देना है टू पुट कर देना। जब ये टू पुट करेंगे टू इंटू टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस सेवन, ये आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट फोर प्लस फाइव प्लस अंडर रूट नाइन, ये आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट नाइन, ये थ्री प्लस थ्री तो इट विल बी वन बाय सिक्स। तो ये देखिए आपके पास अभी तक लिमिट आ गई है टू पे। अब इक्वल के अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है के लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखिए नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है के के इक्वल, और किस पे हमने चेक करनी थी कंटिन्यूटी टू पे, तो एक्स को टू पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, या देगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू के, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें। फाइनली अब हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे इनको। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये वाली कंडीशन आप लगा देंगे, अब हम यहां पे कंडीशन यूज करेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, सो ये आप ए की बजाय टू आ जाएगा, ये कंडीशन अब आपने अप्लाई कर दी, और इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, तो लिमिट की वैल्यू क्या हमारे पास 1 बाय सिक्स, तो ये 1 बाय सिक्स लिखेंगे। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है के, तो के इज इक्वल टू 1 बाय सिक्स, तो दिस विल बी योर आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है यूं।